अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि आज की वीडियो की एक शॉपिंग हॉल वीडियो है। इस वीडियो में आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी जो मैंने सफ़ायर की न्यू कलेक्शन से की है। जैसा मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि आप लोगों के साथ 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 शॉपिंग हॉल शेयर करती रहूँगी ताकि सेल लगने से पहले आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन सा ड्रेस अच्छा है, कौन सा हमें ख़रीदना चाहिए। सबसे पहले ये ग्रीन ड्रेस, इसको तो मैंने भाई जब देखा था ना, मेरा इस पर दिल आ गया था। मतलब इतना हसीन सूट है ये, छोटा छोटा सा मिनिमल सा, बहुत क्यूट टू पीस है, ठीक है। और एम्ब्रॉयड्री इस पर इतनी प्यारी है, जैसे पठानियों के सूटों पे एम्ब्रॉयड्री होती है ना, इसके सूट पे वैसी एम्ब्रॉयड्री थी। मैं कंप्लीट ओपन करती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इनकी न्यू कलेक्शन में से है तो इस पर सेल के चांसेस बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर हैं, ठीक है, कि इस पर सेल नहीं आएगी। तो ये सिर्फ कुछ आर्टिकल्स पे हो सकते हैं आ जाए जो न्यू कलेक्शन के सिलेक्टिव आर्टिकल्स हैं, लेकिन सब कलेक्शन पे सेल आना इम्पॉसिबल है। ये वाला सूट बहुत प्यारा था और यकीन माने सेल लगने से पहले ही फुल प्राइस पर ये आउट ऑफ स्टॉक होता जा रहा है हर जगह से, क्योंकि इसका प्रिंट बड़ा मज़े का है। बहुत लाइट सा मिनिमल सा प्रिंट है और बहुत क्यूट लग रहा था। इसके साथ उन्होंने शलवार बनवाई भी और शलवार भी बड़ी प्यारी लग रही थी। अब मैं आपको उसकी एम्ब्रॉयड्री के पैचेस दिखाती हूँ, ठीक है। इसकी एम्ब्रॉयड्री के दो पैचेस हैं, एक तो लगेंगे स्लीव्स पे और एक लगेंगे ट्राउज़र के पहुँचे पे। यहाँ पे उन्होंने पिक्चर में शलवार बनाई हुई है जो कि लग बहुत ज़्यादा क्यूट रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मैं इसका क्या बनवाऊँगी। ये देखें, ये है एम्ब्रॉयड्री के पैचेस, वन इज़ फॉर स्लीव्स एंड वन इज़ फॉर ट्राउज़र और शलवार, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। बाकी ये इसकी डिस्प्ले पिक्चर है। ट्राउज़र भी इसका सेम प्रिंट का है और ट्राउज़र के ना पोंचों पे काफ़ी प्यारा बॉर्डर सा बना हुआ है, वो आपको दिखाऊंगी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये वाला कलर ही मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद है कि वॉल्यूम 1 का शायद या इंटरमिक्स का भी मैंने किस तरह का सूट लिया था, वो भी बहुत प्यारा था और ये उससे भी ज़्यादा प्यारा है। मतलब क्या है, पुरानी कलेक्शन आती है हमें लगता है भाई ये एंड है, ये बहुत प्यारी कलेक्शन है, और फिर नई कलेक्शन आती है वो उससे भी ज़्यादा प्यारी आ जाती है, तो फिर भाई हम लोग क्या करें। आजकल सफ़ायर मतलब इतने अच्छे कपड़े लॉन्च कर रहे हैं, उनके प्रिंट्स, कलर, फैब्रिक सब कुछ टॉप क्वालिटी का होता है, तो भाई फिर हम कैसे रिजिस्ट कर सकते हैं, हम कैसे ख़ुद को कंट्रोल करें, हम नहीं होता। मैं कहती हूँ आजकल जितने अच्छे सफ़ायर के प्रिंट्स आ रहे हैं ना, मेरे ख्याल इतने अच्छे तो लास्ट ईयर भी नहीं आए थे, ठीक है। बाकी ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र के आप देखें कितना प्यारा फ्लोरल बॉर्डर है नीचे। अगर आप जो ट्राउज़र का जो पैच है वो दामन पे लगवाना चाहते हैं, आप दामन पे लगवा सकते हैं और नीचे ये वाला बॉर्डर लगवाएंगे तो भी ट्राउज़र का ओवरऑल लुक बहुत अच्छा बनेगा। डिस्प्ले पिक्चर में उन्होंने ट्राउज़र का जो बॉर्डर है उसको स्किप कर दिया है, लेकिन अगर आप लगवाएंगे तो बहुत प्यारा बनेगा आपका ट्राउज़र। अच्छा नहीं, उन्होंने लगाया हुआ है, ट्राउज़र का बॉर्डर भी लगा हुआ है, साथ ही जो एम्ब्रॉयड्री का पैच भी लगा हुआ है, ठीक है। बाकी इस सूट की जो प्राइस थी वो थी 3,990 फॉर एम्ब्रॉयडर्ड टू पीस, ठीक है। ये आप लोग उसकी प्राइस और कोड वगैरह देख लें। ऑनलाइन भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया हुआ था, लेकिन रीस्टॉक होता रहता है ऑन एंड ऑफ, लेकिन आउटलेट पर एक दफ़ा ख़त्म हो जाए ना फिर रीस्टॉक होना मुश्किल होता है। नेक्स्ट मैंने एक ये टू पीस लिया था, ये भी इनकी न्यू कलेक्शन में से है। इसका कलर बहुत प्यारा है, इसके साथ बहुत प्यारा लॉन का दुपट्टा है, आम डेली वेयर के लिए ये बहुत अच्छा है। अच्छा, जो पहले टू पीस आपने देखा था वो ऐसा टू पीस था कि आप अगर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा स्टिच कराते ना, आप उसको किसी फॉर्मल इवेंट्स पे पहन सकते हैं, किसी गेट टुगेदर पे, डिनर पे, लंच पे। लेकिन ये है कि ये प्रिंटेड है तो ये आप डेली रूटीन में पहन सकते हैं। जो ज़रा एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं ना, वो आप इस तरह के इवेंट्स पे पहन लेते हैं तो अच्छे लगते हैं। लेकिन ये है कि ये जो इस तरह के प्रिंटेड होते हैं ना, जिनका ओवरऑल सेम प्रिंट होता है, ये ज़्यादातर आम पहनने के लिए होते हैं, लाइक ऑफिस गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, या अगर आपने घर में पहनने के लिए लेने हैं तो। अब इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, प्रिंट भी ओवरऑल अच्छा है, और सबसे अच्छी बात कि इसका फैब्रिक बहुत मज़े का है, बहुत सॉफ्ट और लाइट वेट है। लॉन का दुपट्टा भी बड़ा मज़े का है और प्राइस तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से ये मैंने ख़रीदा है। ये भी न्यू कलेक्शन में से है। इस तरह के जो ड्रेसेज हैं, अगर उन पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल आई भी ना तो 20% आएगी, इससे ज़्यादा सेल नहीं होगी, ठीक है। ये रहा इसका लॉन का दुपट्टा, इसको भी ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। और प्राइस इसकी मेरे ख्याल है 2490 है, 2490 है, शायद 2590 है। जो टू पीस है ना प्रिंटेड, उनकी यही प्राइस रेंज है, 2490 या 2590। जो एम्ब्रॉयडर्ड है वो 3490 से लेके 3990 तक की रेंज में आपको मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि किस सूट पे कितनी एम्ब्रॉयड्री है, तो फिर उसकी प्राइस उसी लिहाज से ज़्यादा हो जाती है। ये इसका बहुत ही सॉफ्ट, लाइट वेट और मैनेजेबल लॉन का दुपट्टा है,
आप इसके साथ बेज कलर का ट्राउज़र भी बनवा सकते हैं, बट आई थिंक सेम कलर का ही ज़्यादा बेहतर लगेगा। थोड़ी बहुत लेस की डिटेलिंग्स करा लें एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, अच्छा आजकल लेसेस का इतना ज़्यादा ट्रेंड है ना कि लेसेस के बगैर अगर आपको सूट सिलवा लो ना तो वो बहुत सादा और फीका फीका सा लगता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आजकल हर सूट पर लेसेस, ब्रांड का आप कोई सूट ले लें, कोई स्टिच ले लें, हर सूट पर लेसेस की तो भरमार है। चाहे छोटी छोटी है लेकिन वो छोटी छोटी लेसेस भी इतनी महंगी आती हैं कि मतलब जितने का सूट है ना, अगर आपने दुपट्टे की सारी साइड्स पे लेस लगवानी है, ट्राउज़र पे लगवानी है, तो जितने का सूट है ना, मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा की लेस आ जाती है। लेकिन हेयर फिर लेसेस से ही सूट को चार चांद लगते हैं। बाकी ये है एक ग्रे टू पीस, ठीक है, ये भी लॉन दुपट्टे के साथ है। इसको भी मैं कम्प्लीट ओपन करती हूँ, फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि इसका कलर प्रिंट कैसा है। अच्छा, ये ना बहुत इसका मज़े का और लाइट वेट फैब्रिक है इसका भी, ठीक है, आम डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और ये भी इनकी मोनोक्रोम कलेक्शन में से था, ब्लैक एंड वाइट कलेक्शन में से। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट मैंने काफ़ी ले लिए थे तो मैंने कहा एक ये ग्रे लेते हैं। ठीक है, ये भी फैब्रिक वाइज बहुत अच्छा है, प्रिंट भी अच्छा है, न्यू कलेक्शन का आर्टिकल है, शायद इस पर 20% आ जाए। जो न्यू कलेक्शन के उन आर्टिकल्स पे सेल आएगी कि जो बहुत ज़्यादा हिट कोड्स नहीं होंगे, जो बहुत ज़्यादा हिट कोड्स होंगे ना उन पे सेल नहीं आएगी। ठीक है, ये बात आप लोग जहन में रखें। अब तो वैसे न्यू कलेक्शन पे सेल आना का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बाकी सेल लगनी कब है, अगस्त के कभी भी लग सकती है, मतलब फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, ठीक है, थर्ड वीक, ठीक है, कभी भी लग सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है डेट कि किस वीक में किस डेट पे लगती है। वो तो भाई जब सफ़ायर वालों का दिल करना उन्हें तभी लगानी है, लेकिन हर ब्रांड पे आपको पता है 14 अगस्त की सेल लगनी ही लगनी है, तो माइट बी पॉसिबल कि 14 अगस्त के आसपास ये लोग भी सेल लगा दें। अगर सेल लगा देंगे तो आई विल लेट यू नो गाइस कि सेल लग गई है, आप लोग पहुँच जाएँ। और अच्छा, ये जो सूट है इसके साथ आप ग्रे कलर का ट्राउज़र आपको लेना पड़ेगा बाज़ार से, ठीक है, क्योंकि वाइट या बेज इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, ग्रे ही अच्छा लगेगा। ये देखें, ये है इसका लॉन का दुपट्टा। आई नो ये बहुत रेगुलर सा प्रिंट है, बट फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था, ओवरऑल अच्छा लग रहा है तो। और स्टिच भी ना पिक्चर में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ था फ्रॉक स्टाइल में, सो आई थॉट कि ये ख़रीद लेते हैं। प्राइस है इसकी 25.90, विच इज़ अगेन वेरी अफोर्डेबल। इन ड्रेसेस पे अगर 20 आते हैं तो 2000 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि अब जो सफ़ायर पे सेल लगनी है ना, आप लोग उसे इस साल की भी शॉपिंग करें और नेक्स्ट ईयर समर्स की भी कर लीजिएगा, क्योंकि सेल में ड्रेसेस की प्राइसेस बहुत कम होती हैं और ऊपर से इस दफ़ा सफ़ायर की कलेक्शन ही इतनी प्यारी है कि आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए लेके रख सकते हैं। इनकी वॉल्यूम 1 की क्या बात है, वॉल्यूम 2, 3, 4 सभी बहुत प्यारे हैं, तो आप लोग लेके रख सकते हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा बचत होगी, आपको आपके फेवरेट ड्रेसेस भी मिल जाएंगे। बाकी अगर आप मेरे थ्रू कोई भी ड्रेस ऑर्डर करना चाहते हैं या अपने लिए कोई ड्रेस प्री बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग कहाँ की देखना चाहते हैं ये भी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।